सोनी फाइनली शिमला तो पहुंच गया अभी हम। बाइक का लोग नहीं लग रहा, मेरा हाथ मत जम गया ना। शिमला के यहाँ से मुड़ जाएंगे इस साइड को। 200 मीटर दिख रहा होगा बस, उसका भी कुछ दिख रहा। इस जगह पे अभी मैं हूँ ना, मैंने अभी ध्यान करा, नहीं तो मेरा ध्यान रोड पे था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा अंधेरा हो जाए। मुझे रोड सीधी जा रही है, वरना से मीटर मारना था। देख ही लिया है, सुबह का मैं 5 बजे का उठ पड़ा हूँ, 5 बजे से मैं तैयार बैठा हूँ और अब तक जो है बारिश नहीं रुकी। जो सोचा था भाई हो गया, बारिश हो गई है, सुबह की बारिश रुकने नहीं आ रही। अभी टाइम तो हो रहा है, अभी 10 बज चुके हैं, अब पता नहीं बारिश कब रुकेगी। बस यही वेट कर रहे हैं कि बारिश रुके और फटाफट हम निकले। फाइनली बारिश अभी स्लो हो चुकी है और टाइम हो गया है 1। अभी सुबह से भाई इतना इंतजार करा, इतना वेट करा कि बारिश रुके 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 अब जाके रुकी है। अभी सबको कहते हैं पहले तो बाय, यहाँ देखो सबने स्लो हो गई ना, बस रुक ही जाएगी। यहाँ मम्मी ने कहा क्या गंद मजा रहा है यार, क्या कर रखा है सब। मैंने कहा शिमला, ठीक है। तो जी ये अपनी यहाँ पे धंधो रेडी हो चुकी है पूरी। ये हमारा मेन बैग, इसमें हमारे कपड़े वगैरह और कैंपिंग का सामान है। ये हमारा टेंट ऊपर ट्राइपॉड, ये हमारा टैंक बैग, इसमें भी सामान है काफी, ठीक है। बाकी बैग पूरा अच्छे से सेट हो गया हमारा, अब एक पीस में से तार ना हिल नहीं सकती बिल्कुल भी, ठीक है। चलो ठीक है बाय। चलो जी, चलो ठीक है बाय डेजी। चलो भाई फाइनली निकल लिए। आज होने वाले हैं हमारे पूरे मजे। सबसे पहले तो इसमें पेट्रोल डलवाना है, पहले पेट्रोल डलवाते हैं फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है, रास्ते में हाईवे पे। और यहाँ पे अभी दिक्कत आ गई थी कि मैं कार्ड स्वाइप कर रहा था और कार्ड को पिन ही गलत आ गया, 2 बार पिन गलत आ गया, 3री बार शुगर लग गया। मैंने नीचे भी अपना रेनकोट पहन लिया, ऊपर भी वाटर प्रूफ जैकेट पहन ली है और बाकी सारा सामान तो वाटर प्रूफ है, इसका कोई टेंशन नहीं। अब निकल, टाइम काफी हो चुका है, टाइम देखो अभी 2 बजने वाले है। और अपने को ध्यान रखना कि अपना सामान जो है थोड़ा बाहर को लटक रहा है, ठीक है, ज्यादा नहीं लटक रहा है, वैसे जितना ये हैंडल है ना इतना बाहर आ रहा है। बाकी बस हाँ चलो मिलते आपको सीधा हाईवे पे। इसमें क्या देख रहे हो, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, मिट्टी मिट्टी हो गई है पूरी। क्या बात है, सामने भाई साहब व्यू चेक करो एक बार। देखा जो होता है अच्छे के लिए भी होता है, सुबह बारिश हुई है तो कुछ अच्छे के लिए भी, ताकि हमें ऐसे सुंदर सुंदर नजारे दिख सके। बताया ना जब मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने बताया नहीं क्या सुबह से। अच्छा तो भाई अभी ना जा रहा हूँ शिमला। तो भाई हिमाचल में आपका स्वागत है, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। भाई साहब क्या है शिमला इज 69 किलोमीटर और सोलन है यहाँ से 31 किलोमीटर। भाई मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे ऐसा मौसम होगा, यहाँ पे सही भाई इतनी ठंड हो गई ना अभी। वो तो अच्छा हुआ मैं जैकेट ले आया अपनी। ओ ओ ओ ओ उतर के देख रहे हो, इतना इतना सामान रखा हुआ टैंक बैग में और अभी मैं रुका रहा यहाँ पे अपने एक्शन कैमरे की बैटरी चेंज करने। चलो एक बात अच्छी है कि हमने उसकी एक्स्ट्रा बैटरी ले ली थी, बैटरी की तो टेंशन नहीं रहती है। बाकी अभी हम पहुंच चुके हैं सोलन, शिमला के लिए यहाँ से अभी हम मुड़ जाएंगे इस साइड को, ठीक है। बैटरी चेंज करने के लिए रुका था मैं, सोचा आपको दिखा दूँ बोर्ड सोलन का। वो अभी थोड़ा गलत आ गया, थोड़ा सही आता यहाँ से लेके वो मोड़ तक, तो थोड़ा डाउट हुआ कि यहाँ से कहाँ जाना है। वहाँ से आया था मैं और यहाँ पे एक रास्ता ऊपर जा रहा था, एक नीचे जा रहा था, तो अपने को नीचे जाना है। भाई बड़ा चेंज हो गया यार यहाँ पे, अभी देखो पता नहीं क्या क्या बन गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अयो अयो ओ भाई साहब मैंने बस की अपनी, तो ठंड बहुत हो गई है यार, कोई चाय की दुकान नहीं मिल रही है, कहीं चाय पी ले रुक के। चाय चाय पिला दो, चाय 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 चाय। तो ये हमारे धंधा और ये रहे आपके सामने हम, हमारे तो हालत खराब हो गई, ठंड इतनी खतरनाक हो गई है यहाँ पे। अभी थोड़ा मैं रुका, मेरा सर धुमने लग गया था ऐसे लगातार चला चला के ना, कंटिन्यूस मेरे साथ मैंने 1-2 घंटे चलाया अभी बिना रुके, और मेरे तो बोला नहीं जा रहा है मेरे, और ना छाला सा हो गया, उतना गर्दन के यहाँ पे कुछ हुआ हो गया, बोला नहीं जा रहा इसलिए। बाकी नजारे देखो क्या गजब का नजारे यार, मीठी मीठी बारिश हो रही है, कपड़े तो हमारे भीग गए हैं वैसे, और चलो सामान हमारा सारा सेफ है, पोलथिन चढ़ा रखे है, रेन कवर चढ़ा रखा है, उसमें भी रेन कवर है। और पता है जब रेन कवर देख रहे ना, ये मैं सुबह लेके आया हूँ, पता नहीं इतनी मुश्किल से मिला ना, मेरे को रेन कवर ही नहीं मिल रहा था इसके लिए। तो भाई यहाँ
यहाँ पे ये मिल गया चाय की दुकान। बस मैं तो कहता हूँ यहीं रुक जाते हैं, अब नहीं ले जाएगी भाई गवर्नमेंट से। तो भाई कपड़े का तो सारे गिल्ले हो गए हमारे, और शिमला है यहाँ से अभी 18 किलोमीटर और आगे है। तो बस यहाँ से चाय पी के फिर चलेंगे। हाथ तो वैसे जम गया, पूरे सुन हो गया हाथ। मैंने ग्लव्स भी निकाल दिए, ग्लव्स भी गिल्ले हो गए थे, जैकेट भी गिल्ली होगी, इसके ऊपर भी लगता है रेनकोट पहनना पड़ेगा एक और। बाकी यहाँ रुके अभी हम चाय पीने। तो निकल चुके हैं आगे के लिए, और ओ क्या बात है, क्या गजब का व्यू है यहाँ पे। तो जी फाइनली शिमला तो पहुंच गया अभी हम। अभी यहाँ से मेरे को जाना है नाल देरा, पता नहीं यहाँ से कितने किलोमीटर है अभी, वो देखना पड़ेगा। बस यही फायदा होता है बाइक का, सारे में सही कर जो बाइक का लोग भी नहीं लग रहा, मेरा हाथ इतना जम गया है ना पूरा, ऐसे एक कहीं लगा दी मैंने साइड में अभी, बोलते हैं आप देखने दो यार। शिमला पहुंचते ही ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरा बाइक चलाने में मुश्किल हो गया, तो रास्ते में मेरे को ये लोग दिखे आग सेकते हुए, तो बस भाई हम भी रुक गए वहीं पे। तो ये शिमला सामने नालदेरा जाना है मेरे को अभी, नालदेरा के लिए यहाँ से लेफ्ट इधर जाना है। ओ भाई टनल टनल टनल, भाई साहब क्या आवाज गूंजी यार टनल में, मजा आ गया। और अपने को जाना है नालदेरा, तो नालदेरा यहाँ से 50 किलोमीटर है, तो वो 50 किलोमीटर को कवर करने मेरे को लगने वाले हैं 3 घंटे, जिसमें मेरी बचने वाली है बैंड। तो जी फाइनली बारिश तो अभी हट गई है, तो मैंने यहाँ पे रेन कवर भी हटा दिया इसका, और यहाँ फोन रख दिया अपना आगे। नालदेरा है यहाँ से 33 किलोमीटर है नालदेरा यहाँ से, 1 घंटे का रास्ता दिखा रहे हैं, टाइम बता रहा है कि मैं 7:24 तक पहुंच जाऊंगा। ट्रैफिक बहुत इतनी खतरनाक थी, मैं क्या ही बताऊंगा आपको, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया था, वरना बाइक का यही फायदा था कि बाइक बस निकल गई इस तरह से। बाकी इलाका देख लिया क्या मस्त इलाका है, मैं ना इस तरह एरिया में पहली बार आया हूँ, नालदेरा मेरे ख्याल से मैं जाई पहली बार आ रहा, नालदेरा कभी मैं गया ही नहीं। और जो भी है रोड एक नंबर है, मस्त मक्खन ना रखी है रोड, मेरे को लगा रोड सीधी जा रही है और यहाँ से यू टर्न मारना था। और टाइम हो चुका है अभी 7 बज चुके हैं, नालदेरा हम पहुँच चुके हैं, नालदेरा 1 किलोमीटर, और उसका घर थोड़ा यहाँ से आगे है, आगे शायद नालदेरा ही है। अब यहाँ से भाई पूरे पहाड़ नीचे उतरने हैं। ओहो हो हो, भाई यहाँ पर तो इतनी गिन चुन के गाड़ियाँ निकल रही है ना सही में। अभी यहाँ से आधे घंटे का रास्ता बता रहा है, मेरे ख्याल से 7:30 तक पहुँचूंगा मैं। मैं बाइक को सेकंड गियर में खींच रहा हूँ यहाँ पे, बस उससे ऊपर गियर मैंने डाल रहा है क्योंकि ढलान है सारी, ये तीसरा गियर डालने की तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही यहाँ पे। भाई जिस जगह पे मैं हूँ ना, ये कसम से बड़ी सुंदर जगह है यार, मैंने अभी ध्यान करा है, नहीं तो मेरा ध्यान रोड पे था, मैं को क्या ही दिखाऊं यार यहाँ पे रुक के भी। कोई ना सुबह भी यहाँ से निकलना ही है, सुबह नहीं तो कल परसों कभी ना कभी तो इस रोड से निकलना ही है, तो सुबह के टाइम भाई ये नजारे जो होंगे ना ये दिखाऊंगा आपको मैं अपने कैमरा से, ठीक है। यहाँ की रोड भी एक नंबर है और व्यू भी एक नंबर है, ये तो थोड़ा अंधेरा हो गया तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है देखने में, मतलब आपको दिखाने में। मेरा भी मेन यही है कि बस मैं पहले घर पहुँचूँ जल्दी से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा अंधेरा हो जाए। मैं क्या करूँ, व्यू यहाँ पे इतना सही नहीं, मेरा मन कर रहा है मैं रुक के आपको फ़ोन से दिखाऊँ, पर यहाँ पर रुकना ना बहुत रिस्की है अभी, क्योंकि पूरा जंगल वाला एरिया है और यहाँ लोग भी बड़े कम निकल रहे इधर से। तो भाई फाइनली मेरे को मेरा दोस्त मिल चुका है, ये सामने जा रही है उनकी गाड़ी, सबसे बड़े मुश्किल से आ रही है यहाँ के सही में। तो भाई फाइनली आयुष क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ? एकदम मस्त यार, भाई पहुँच गया यार फाइनली। आज जो हालत खराब हुई ना भाई, वो बस मेरे को ही पता है क्या हालत हुई मेरी आज। चलो बस अभी हम पहुँचने वाले हैं, ठीक है, अब बाइक को यहीं पे लगा देंगे और बस अभी सामान उतारते हैं, फिर आपसे सुबह मिलते हैं, ठीक है, बाकी सुबह कराएंगे बातचीत आपकी इनसे। चलो, इसकी नानी का घर है ये।